अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब हैरियत से होंगे। आज हम MGT602 की यानी कि इंटरप्रेनरशिप की GDB सॉल्व करेंगे, जिसके टोटल मार्क्स 5 हैं और क्लोजिंग डेट जो है 16 दिसंबर है। और जो क्वेश्चन टाइटल है इंटरप्रेनरशिप मैथ्स के बारे में है, एंड यहाँ लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज़ टू स्टूडेंट रिकॉल एंड लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेनरशिप मैथ्स, यानी कि जो हमारे चैप्टर नंबर 1 है उसमें मैथ्स दी हुई है बहुत ज़्यादा ना, जो इंटरप्रेनरशिप के बारे में है। तो उसको रिकॉल करना यानी उस कॉन्सेप्ट को पक्का करना है आपने। इंटरप्रेनरशिप आर एट द नेदर बोर्न आर मेड द डिस्कशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग द फ्लॉक। दिस अ डिबेट ऑफ नेचर वर्सेज नर्चर रेजेस इंडिविजुअल आर फ्रॉम अ डिफरेंट जेनेटिक बैकग्राउंड, यानी कि इंटरप्रेनरशिप जो है जब वो पैदा होता है तो तभी वो खुदादार सलाहियत के मालिक होता है, या उसे जो है कल्चर यानी कि इंडिविजुअल जो होता है एक वो कल्चर से इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल को, बिहेवियर को, कैरियर वो चूज़ करता है, तब वो बनता है इंटरप्रेनरशिप। डिस्कशन क्वेश्चन है इंटरप्रेन्योर आर अ ब्रोन डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट, क्या हम इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं नहीं करते। एग्री करते हैं तो वो भी हमने बताना, नहीं एग्री करते तो वो भी हमने बताना। मार्किंग स्कीम यू नीड टू राइट ओनली 4 पॉइंट टू क्लेरिफाई योर आर्गूमेंट, हमने इस जो अगर हम एग्री करते हैं तब हमने 4 पॉइंट जो हैं लिखने और हर एक पॉइंट का 1.25 मार्क्स हैं। चलिए आइए हम सोल्यूशन फाइल की तरफ चलते हैं, लेकिन सोल्यूशन फाइल की तरफ जाने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट में आप एग्री और डिसएग्री दोनों में कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, वो भी इस बात में अभी ये कंफ्यूज हैं कि स्टेटमेंट से कुछ लोग एग्री करते हैं और कुछ लोग नहीं एग्री करते। आई एम एग्री इन दिस स्टेटमेंट, हाँ मैं आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बता दूंगी, जो आपको बेहतर लगे आप वो लिख सकते हैं। इंटरप्रेनरशिप आर बोर्न एंड नॉट मेड, इंटरप्रेन्योर जो होता है वो नेचुरली बाय बोर्न ही होता है, जब वो पैदा होता है तो वो उसकी जो इंटरप्रेनरशिप बेसिकली होता क्या होता है, जिसकी जो रिस्क लेता है, इनोवेशन उसकी सोच होती है, थिंकिंग होती है। तो सम लोगों तो इंटरप्रेनरशिप की जो सलाहियत हैं वो सम लोगों बहुत लोगों को खुदादार मिलती होती हैं, और उनको जो है नहीं बनाया जा सकता इंटरप्रेनरशिप। इंटरप्रेनरशिप हैज़ अ कैपेबिलिटी टू टेक रिस्क एंड इनोवेशन बाय द बोन, सब इंटरप्रेनरशिप ऐसे होते हैं जिनके पास कैपेबिलिटी बाई नेचर ही होती है, रिस्क फैक्टर उनकी नेचर में होता है इनोवेशन के न्यू कुछ सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें उनकी नेचर में होती है। यू कैन फर्निश योर स्किल बट नॉट मेड अ इंटरप्रेनरशिप, बेसिकली जो इंटरप्रेनरशिप है वो जो खुदादार सलाहियत हैं वो तो अल्लाह ताला ने उसको दी ही है, लेकिन जो है एक इंटरप्रेनरशिप को बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जो स्किल है यानी कि उसका रिस्क फैक्टर इनोवेशन है, उस इन स्किल को वो फर्निश तो कर सकता है। जैसे कि देखें, अगर वो बिजनेस सेटअप कर रहा है तो उससे जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए जो है वो स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है, कि उसको कैसे इम्प्रूव करें एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ को, फाइनेंस को कैसे डीलिंग करें, तो ये सारी चीज़ें वो अपनी स्किल से इम्प्रूव करें इंटरप्रेनरशिप। लेकिन जो उसकी थिंकिंग है वो उसकी खुदादार है, खुदा की तरफ से उसे दी हुई है, तो वो जो है जो बेसिकली थिंकिंग, इनोवेशन और रिस्क फैक्टर है, वो सारी सलाहियत अल्लाह ताला ने उसे बाय बोन ही दी हुई है। तो इस वजह से जो है कुछ लोग कहते हैं कि ये बाय बोन होता है इंटरप्रेनरशिप, इसको मैन मेड नहीं किया जा सकता। उसके बाद है एनीथिंग इज अ पॉसिबल इट शेल बी अचीव इट स्टार्ट विद द थिंकिंग ऑफ एनी आइडिया डेट विल वर्क टू वर्क एंड मेकिंग इट अ स्टेटमेंट। अच्छा, बहुत से लोगों का ये माइंड है कि इंटरप्रेनरशिप की ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि जो इंटरप्रेनरशिप है वो स्टार्ट करता है थिंकिंग के, ये जो है थिंकिंग स्टार्ट करता है कि वो एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस करवाए और डिफरेंट कुछ करे, और उसको ये यकीन होता है कि वो अचीव करे, कुछ पॉसिबल होगा, ये सारा इंटरप्रेनरशिप का होता है। लेकिन एवरी इंटरप्रेनरशिप इज़ नॉट अबॉन, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि एवरी इंटरप्रेनरशिप जो है बाय खुदादार सलाहियतों के नहीं होता, वो इस वजह से नहीं होता क्योंकि कुछ इंटरप्रेनरशिप ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट और फैमिली सपोर्ट से सीखते हैं। जैसे कि आप अगर सोशल साइंस के बारे में जाते हैं, सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी को अगर स्टडी करें, तो वो आपको वहाँ ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो इंसान की जो थिंकिंग है वो बनाती है, उसकी फैमिली बनाती है, उसका इन्वायरमेंट बनाता है। तो अगर हम इस लिहाज से भी लिख सकते हैं कि
एंटरप्रेन्योरशिप जो है मैन मेड बना सकता है, क्योंकि इसकी जो थिंकिंग और जो इन्वायरमेंट है वो उसकी थिंकिंग बनाता है. जब इंसान उस थिंकिंग पे करता है, इसकी स्टडी करता है, फिर वो फर्दर उसकी जो स्किल है उसको फर्निश कर कर वो एंटरप्रेन्योरशिप बन सकता है. बट इट्स नेसेसरी मैन हैव टू पावर टू अचीव समथिंग. एक ये भी बात यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप मैन मेड बना सकता है तब कि अगला बंदा वो अचीव करना चाहे. ऐसा नहीं कि अगला बंदा चाहता ही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बनना नहीं चाहता, तो वो क्या करेगा कि उसको एंटरप्रेन्योरशिप की स्टडी करा दी जाए, वो कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बनेगा क्योंकि उसकी इंटरेस्ट ही नहीं है. तो अगले बंदे का इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो अचीव करे समथिंग. और इन्वायरमेंट और फैमिली सपोर्ट को आपको मैं इस तरह भी एक एग्जांपल से बता सकती हूँ. जैसे कि बहुत से लोगों के मम्मा पापा जो हैं डॉक्टर होते हैं, जब वो डॉक्टर होते हैं, जब उनके बच्चे जो आगे इन फ्यूचर फील्ड में आते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो भी अपने मम्मा पापा को आइडियलाइज करते हैं, तो वो कहते हैं वो भी डॉक्टर बने. तो वो चीज़ बाय फैमिली और बाय इन्वायरमेंट वो लर्न कर रहे हैं. बहुत कम ऐसा होता है कि बाय बोर्न भी मिल जाती हैं, और बहुत कम ऐसा भी होता है कि बाय बॉर्न नहीं मिलती. तो ये चीज़ है कि आप इसको एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं. अभी तक इसका कोई क्लियर जवाब एक्सपर्ट भी नहीं दे सके कि ये एग्री करते हैं. कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग नहीं भी एग्री करते हैं. और आपको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, जैसे कि अभी तो एंटरप्रेन्योरशिप की स्टडी आई हुई है, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जा रही है, कुछ ग्रूमिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर में भी चीज़ों के बारे में, अमेज़ॉन वगैरह के बारे में किया जा रहा है. लेकिन ये जो अभी ये किया जा रहा है, लेकिन जो उससे पहले पास्ट है, पहले भी तो बिजनेस लोग कर रहे थे, पहले भी एंटरप्रेन्योरशिप थे. उस टाइम तो कोई ऐसी फर्निश ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती थी, फर्निश लोग एक्सपीरियंस के साथ खुद को फर्निश तो कर लेते थे, ले कोई ट्रेनिंग नहीं होती, उनको कोई नहीं बताता. लेकिन उनकी थिंकिंग जो है वो खुदादार की वजह से होती थी. और वो क्या कहते हैं उसको, रिस्क इनोवेशन फैक्टर, कुछ कर दिखाने का जज्बा, मोटिवेशन और पेशन की वजह से वो क्या एंटरप्रेन्योरशिप बन जाते थे. अगर पहले देखा जाए तो पहले भी लोग एंटरप्रेन्योरशिप जो है ऐसे ही बन गए, और अब जो है वो फर्निश हो गई हैं स्किल. तो ये है कि आप इनमें दोनों भी लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो इन दोनों को मिक्सअप भी करके लिख सकते हैं कि जब एक्सपर्ट ही नहीं इस पे इत्तफाक करते तो हम इस स्टेटमेंट को कैसे एग्री और डिसएग्री में कर सकते हैं.